हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है हाउ टू इंक्रीज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जीवन में सक्सेस पाने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है। आप किसी भी मुकाम पर पहुंच जाओ, अगर ये आपको क्वालिटी दिख जाए, फिर चाहे वो किसी फिल्म स्टार की हो, क्रिकेटर की हो, आपकी कोई पड़ोसी की हो या किसी टीचर की हो, कॉन्फिडेंस एक ऐसी क्वालिटी है जो हर किसी में होता है। किसी में कम होती है तो किसी में ज़्यादा होती है। और इम्पॉर्टेंट यह है कि प्रेजेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को बढ़ाकर एक नए और बेहतर लेवल तक इसे कैसे ले जाया जाए। और आज के इस युग में आपके साथ कुछ ऐसी मैं बातें शेयर करूँगा जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद करेगी। सबसे फर्स्ट है, ड्रेसिंग सेंस इम्प्रूव कीजिए। आप किस तरह से ड्रेसअप होते हो उसका असर आपकी कॉन्फिडेंस पे पड़ता है। ये मैं बता देना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी जैसे महापुरुष का इससे कोई लेना देना नहीं, और यदि आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपका भी, मैंने खुद इस बात को फील किया है, जब मैं अपनी बेस्ट अटायर में होता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इसलिए जब कभी कोई प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू होता है तो मैं बहुत अच्छे से तैयार होता हूँ। दरअसल अच्छा दिखना आपको लोगों को फेस करने का कॉन्फिडेंस देता है, उसके उलट पुअरली ड्रेसअप होने पे आप बहुत कॉन्शियस रहते हो। मैंने कहीं एक लाइन पढ़ी थी, आप कपड़ों पे जितना खर्च करते हैं उतना ही करें, लेकिन जितनी कपड़े खरीदते हैं उसके आधे ही खरीदें। आप भी इसे अपना सकते हैं। वो करिए जो कॉन्फिडेंट लोग करते हैं। आपके आसपास ऐसे लोग जरूर दिखेंगे जो बहुत ही कॉन्फिडेंट आपको दिखते हैं। आप ऐसे लोगों पर ध्यान दीजिए और उनकी एक्टिविटीज को अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए। जैसे कि फ्रंट सीट पर बैठिए, क्लास में हो, सेमिनार में हो, और किसी अन्य मौके पर सवाल पूछने और आंसर देने के लिए झिझके ना। अपने चलने पर, अपने बैठने पर, अपने स्टाइल पर ध्यान दीजिए। डर कर दबी हुई आवाज में मत बोलिए। किसी से भी बात करते वक्त आई कॉन्टैक्ट कीजिए, उसे नजरें मत चुराइए। थर्ड वन, किसी एक चीज में अधिकतर लोगों से बेहतर बनिए। सी ऑलवेज से कि अपने किसी एक क्षेत्र में आप एक्सपर्ट बन जाइए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि वो काम मत करिए जो दूसरों को बेहतर आता है, वो काम कीजिए जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। अगर आप अपने ही उस इंटरेस्ट में अगर दूसरों से बेहतर बनेंगे तो आप एक अच्छा पर्सनालिटी लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकेंगे। फोर्थ वन, अपने अचीवमेंट्स को याद करिए। हमेशा हम लो फील करते हैं, तब उस वक्त में आप अपने अचीवमेंट्स को याद कीजिए ताकि आप कॉन्फिडेंट फील कर सके। आपको एक मदद मिलेगी। एक छोटी भी क्यों ना अचीवमेंट्स हो उसको याद कीजिए। जैसे कि आप किसी अपने क्लास में फर्स्ट आए थे, किसी सब्जेक्ट में टॉप किया था, आपने किसी सिंगिंग कंपटीशन में विन किया था, किसी छोटी सी रेस में आपने जीत हासिल की थी, या कोई बड़ा टारगेट आपने अचीव किया हो, जैसे एम्प्लॉई ऑफ द मंथ, या आपने पूरे स्कूल में टॉप किया। अपने अचीवमेंट्स को जब आप याद करते हो तो आप अपने आप को डेफिनेटली बूस्ट करते हो और आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे तरीके से बढ़ जाता है। नेक्स्ट वन, विजुअलाइज करिए कि आप कॉन्फिडेंट है। आपकी सोच ही आपको कॉन्फिडेंट बनाती है। जब आप सोचोगे कि यस आई एम कॉन्फिडेंट, देन यू आर कॉन्फिडेंट। आप किसी भी स्टेज पे खड़े रहोगे, भाषण देना हो, बात करना हो, सेमिनार हॉल हो, प्रेजेंटेशन देना हो, किसी से आपको वन टू वन डिस्कशन करनी हो, तो आपको अपने आप को ये फील करवा के देना होगा कि यस यू आर कॉन्फिडेंट, क्योंकि आप पहली बैटल तब जीत लेते हो। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इमेजिनेशन का नॉलेज से अधिक पावरफुल बताया है, और आप इस पावर का यूज करके सबसे बड़ा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, सिक्स वन, गलतियां करने से मत डरिए। क्या आप गलती करने से डरते हैं? अरे आप जब गलती करेंगे तो आप उसको सुधारेंगे, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है। और मैं कहूंगा कि ये जन्मसिद्ध अधिकार है। जब तक आप गलती नहीं करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू गेट द एक्सपीरियंस। योर लास्ट बेस्ट मिस्टेक इज योर द बेस्ट टीचर। आपकी अगली लास्ट जो मिस्टेक थी वही आपको बहुत अच्छी चीज सिखा गई। लेकिन गलतियों को रिपीट ना करें। आप कभी फेल हो जाते हैं तो उससे डरो मत, उससे कॉन्फिडेंटली फेस करो और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो। आप जब उसको कॉन्फिडेंटली
फेस करोगे तो आप आने वाले टाइम पर कोई गलती नहीं करेंगे और सक्सेस आपके पास रहेंगे। नेक्स्ट वन, सेवेंथ वन, लो कॉन्फिडेंस के लिए अंग्रेजी ना जानने का एक्सक्यूज मत दीजिए। मैंने आज तक अपने बहुत सारे क्लाइंट्स से देखा है या मेरे स्टूडेंट से मैंने सुना है कि वी डोंट नो अबाउट दी इंग्लिश, हमें वो नहीं आता है और वो एक बहाना बनाते हैं उस लैंग्वेज को लेके। इंग्लिश इज जस्ट नियर अ लैंग्वेज, इट्स नॉट योर नॉलेज, इट्स नॉट योर टेक्निकल एस्पेक्ट, इट्स ओनली अ लैंग्वेज यू कैन से। तो अपने उसको लैंग्वेज को एक्सक्यूज मत दीजिए कि आई डोंट नो एनीथिंग। नेक्स्ट वन, एट वन, जो चीज आपका आत्मविश्वास घटाती हो उसे बार बार कीजिए। हमेशा कहा जाता है कि डर के आगे जीत है, और जो चीज आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस गिराती है, उस चीज को आप फेस कीजिए। जैसे आपको स्टेज में जाना डर लगता है तो आप स्टेज में जाइए। अगर आपको आप अपोजिट सेक्स से बात करते वक्त नर्वस हो जाते हैं, जैसे आप मेल हो और किसी फीमेल से बात करना चाहते हो और आप कॉन्फिडेंस ये करते हो, तो कोशिश कीजिए पहले अपने बहनों से बात करना, फिर अपने किसी खास दोस्तों के साथ बात करना, यानी इससे आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ने के लिए लगेगा, ठीक है। और जैसे ही आप खुद जो भी चीज डराती है उसको फेस कीजिए, क्योंकि डर सिर्फ एक ही बार होता है। गांधी जी की कही एक लाइन मुझे हमेशा से बहुत कॉन्फिडेंट फील करवाती है, पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। तो आप भी उन्हें इग्नोर करने दीजिए, हंसने दीजिए, लड़ने दीजिए, पर अंत में आप जरूर जीत जाएंगे, क्योंकि आप जीतने के लिए ही यहां है, हारने के लिए नहीं। नाइन्थ वन, विशेष मौकों पर विशेष तैयारी कीजिए। सफलता के लिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है और आत्मविश्वास के लिए तैयारी। जब आप किसी मौके की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल डिबेट के लिए जा रहे हैं, क्विज के लिए जा रहे हैं, डांस के लिए जा रहे हैं, सिंगिंग कंपटीशन के लिए जा रहे हैं, किसी एग्जाम के लिए जा रहे हैं, तो आपकी तैयारी फुल प्रूफ होनी चाहिए। यानी जब भी आप कोई काम करने जाएंगे तो आपको उस काम की प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक बार हो, दो बार हो, दस बार हो, सौ बार, इतना अच्छा आपका प्रिपरेशन होना चाहिए कि कोई आप पे उंगली ना उठा पाए। प्रिपरेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितनी अच्छी तैयारी आप करोगे उतना ज्यादा आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होगा, विश्वास होगा, और वो तैयारी आपको सफलता के पास लेके जाएगी। आपके लाइफ की सक्सेस स्टोरी में एक और चैप्टर बन जाएगा, जिसे आप बार बार पलट के पढ़ सकते हो और अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेली अपना MIT पूरा कीजिए। कुछ दिन पहले मैंने MIT यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क के बारे में लिखा था, यदि आपने इसे नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़िए। यदि आप अपना डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा कि मुझे आज कौन सा काम पूरा करना है, मैं आज क्या चीज करना चाहता हूं, ठीक है। जो सबसे टफ है उसे पहले कीजिए, यानी आपका पूरा दिन आपके लिए क्या हो गया, फ्री हो गया। फ्रेंड्स, याद रखिए कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका एजुकेशन, आपका फाइनेंशियल कंडीशन या आपके लुक्स पर नहीं डिपेंड करता है। आपकी इजाजत के बिना कोई भी आपको इन्फीरियर नहीं फील करा सकता, आप खुद को ही इन्फीरियर फील करा सकते हो। आपका आत्मविश्वास आपकी सफलता के लिए बेहद जरूरी है, और आज आपका कॉन्फिडेंस चाहे जिस लेवल पे हो, अपने एफर्ट से आप उसे नई ऊंचाइयों पे ले जा सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर इसे लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।